राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की मार लगातार दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है। पूरी राजधानी प्रदूषण की चादर में ढक सी गई है, जिसमें लोगों को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। वहीं प्रदूषण पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इसका जिम्मेदार पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा को ठहराया जा रहा है। दोनों राज्यों में पराली जलाए जाने की वजह से वायु प्रदूषण बढ़ने की बात कही जा रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है और पराली जलाने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में ये जो दिल्ली के पोल्यूशन का मामला लगा था, और सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट के सामने थी कि जो देश की दिल्ली की जो जनता है, इसको इस तरह से सफ़र करने नहीं छोड़ दिया जा सकता। इनफैक्ट जब मैंने कोर्ट को बताया कि मैं स्टेरॉयड ले रहा हूँ, और तो जज ने, जस्टिस धूलिया ने कहा कि मैं भी स्टेरॉयड ले रहा हूँ, और हम लोग सबका, हर नागरिक का आज के दिन में बहुत बुरा हाल है इस स्टबल बर्निंग की वजह से। तो मेन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो पंजाब में जो क्रॉप बर्न कर देते हैं, उसका सोल्यूशन कोई साल नहीं निकल रहा। इन्होंने एक सेंट्रल एक्ट बना दिया, जस्टिस मदन लोकुर को जब कोर्ट ने अपॉइंट किया कि ये सारा स्टबल बर्निंग को देखेंगे कि नहीं हो, तो उन्होंने एक सेंट्रल एक्ट तुरंत बनाया, बिकॉज उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि जस्टिस मदन लोकुर इस मामले में उनका हस्तक्षेप हो। और लेकिन सेंट्रल एक्ट में उन्होंने ये भी प्रावधान रखा है कि इनके पास सारी पावर होगी इस एक्ट में नेबरिंग स्टेट्स को भी उनके खिलाफ ऑर्डर पास करने की भी, और नेबरिंग स्टेट्स को आइडेंटिफाई भी किया हुआ है एज पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। लेकिन अगर आप उनके चारों ग्रैप ऑर्डर्स देखिए, एक से चार ग्रैप ऑर्डर, उसमें नेबरिंग स्टेट का कोई जिक्र भी नहीं है, स्टबल बर्निंग का कोई जिक्र भी नहीं है, और जो दूसरा जो प्रदूषण हो रहा है उनसे कोई जिक्र नहीं है। ये ग्रैप में कर क्या रहे हैं, छोटे छोटे जो होते हैं कंस्ट्रक्शन बैन, जिससे लोगों को परेशानी ज़्यादा होती है, और उससे इफेक्ट उसका जीरो है, बिकॉज उसका 1% ही सिर्फ पोल्यूशन पे उसका इम्पैक्ट है। या ऑड एंड ईवन का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि उससे कोई फ़ायदा होता है। इससे अच्छा आप ऐसी गाड़ियों को बैन कीजिए जिसमें कि प्रदूषण होने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जितने भी BS4 की गाड़ियां हैं उसमें प्रदूषण नहीं होता है। तो उन्होंने वो टैग, मेरे कहने पे वो टैगिंग वाला भी मामला लगाया कि जहाँ कलर्स कोडिंग होगा गाड़ी में तो आप बता पाएंगे कि ये गाड़ी ज़्यादा प्रदूषण कर रही है, और जहाँ ग्रीन टैग होगा उसमें प्रदूषण बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए वैसी गाड़ियों को चलाने दिया जाए जिसमें प्रदूषण नहीं है ज़्यादातर, इंस्टेड ऑफ ऑड एंड ईवन में तो सब गाड़ियाँ चलेंगी। तो इसलिए स्टबल बर्निंग आज से बैन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट पहले दिल्ली का तो पोल्यूशन खत्म कर दे, वो हरियाणा का तो पोल्यूशन खत्म कर दे, यार इतनी दूर दिल्ली कैसे पोल्यूशन चला गया। पहले केजरीवाल था वो हमें बदनाम करता रहा, जब उनकी गवर्नमेंट बढ़ गई पंजाब में पोल्यूशन खत्म, ये सोचने की बात है। और आम पार्टी का जो लक्ष्य है खाली भ्रष्टाचार करना, लोगों की जनता की नजरों में धूल झोंकने का काम है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है साफ साफ दिखाई देता है पंजाब के कारण दिल्ली तक का पोल्यूशन फैल रहा है, और ये उस पर राजनीति कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर कहते हैं कि पंजाब के अंदर पॉल्यूशन नहीं है। या इनको बताना चाहिए कि जो आपने केमिकल बनाए थे जिसके कारण से पराली का सब्स्टिट्यूट था, उस पर करोड़ों रुपया खर्च किया, क्या उसके लिए माफी मांगेंगे आप? जो गांव वालों को आपने प्रभावित करा था कि हम पराली का ये सब्स्टिट्यूट देंगे, आप क्यों नहीं कर रहे? आप नियम कानून नहीं चला पा रहे, वहां पे आपका शासन है कि शासन नहीं कर पा रहे, वहां गरीब लोग किस प्रकार से धुएं के कारण मर रहे हैं, किस प्रकार से बुजुर्ग लोगों को सांस लेना दुभर हो रहा है, साफ साफ दिखाई पड़ता है कि आप शासन करने लायक नहीं है, खाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। वो दिल्ली के अंदर भी वही हालत हो रहा है, दिल्ली की जनता तरह तरह मचा रही है, अनेकों अनेक परियों को नजरों में प्ले कार्ड लेके खड़े करेंगे, ओड इवन करना शुरू करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देंगे, और ऐसे करके 3 महीने बिता देंगे, और 3 महीने बाद वो कहेंगे जब पॉल्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा, पराली जल्दी बंद हो जाएगी, कहेंगे कि देखो हमने बहुत प्रयोग किया और आज पॉल्यूशन कम हो गया। इसलिए देश की जनता और दिल्ली और पंजाब की जनता में धूल झोंक रहे हैं, मैं उनके निर्णय का, कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं।